एमआईडीसी ने पैसों की लालच में बेच दी सीवरेज पंप हाउस की जमीन। अंबेडकर नगर के 40,000 परिवारों के लिए पैदा हुई मुसीबत, अधिकारियों पर घोटाले का आरोप। मैं 40,000 लोगों के लिए मांग रहा हूँ, डाल नेटवर्क डाला हुआ है, उसका पंप हाउस वहाँ लगाना है ना। अभी सीवरेज का जो स्लच है शौचालय का, वो पूरा रास्ते पे बिखर जाएगा। आंदली तो पूरे नई मुंबई के एमआईडीसी के भूखंड की है। जितने भूखंड ये लॉकडाउन के दरमियान बिके हैं, आप अगर उसका खुलासा अगर एमआईडीसी से मांगो तो आपको पता चल जाएगा कितने बड़े मात्रा में धांधली हुई है। जो जनता के हित में भी काम करने पे आप कतरा रहे हो, तो आपको सरकार का मुफ्त का पगार लेने का अधिकार क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके चलते मेरे जानमान को भी खतरा हो सकता है। रबाले के अंबेडकर नगर का यही वो 591 और 592 नंबर का भूखंड है, जिसे एमआईडीसी ने पैसों की लालच में बेचकर यहां के 40,000 नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। यकीन नहीं आता तो इस खुदी हुई सड़क और उसमें बिछाई जा रही सीवरेज पाइपलाइन को ही देख लीजिए। यह पाइपलाइन रबाले और अंबेडकर नगर क्षेत्र के 13 किलोमीटर से होकर इस भूखंड तक पहुँची है। यहीं पर 3 शौचालय हैं, जिसे तोड़कर यहां हाइड्रोलिक सीवरेज पंप हाउस बनने वाला था। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने बताते हैं कि इस पंप हाउस को कहीं और शिफ्ट करना असंभव है, इसीलिए वर्ष 2016 से ही इस भूखंड की मांग चल रही थी। एमआईडीसी के सीईओ ने बैठक में वादा भी किया था, लेकिन लॉकडाउन के बीच इस भूखंड को बेच दिया गया। सुधाकर सोनावने ने कहा कि अगर यहाँ पंप हाउस नहीं बना तो हजारों घरों में बने शौचालयों का स्लच सड़क पर ही फैल जाएगा। पूरी बस्ती और रबाले एमआईडीसी के तरफ जाने वाला जो अंडरपास है, वो वहाँ से ऊपर आ रहा है। उसके बीच में 3 शौचालय है, जो शौचालय तोड़ के तुरंत उसके बाजू में बनाना ये था, तय था, तो वो शौचालय वहाँ बनाने। दूसरा, ये पूरा 13-14 किलोमीटर का जितना भी सीवरेज का नेटवर्क डाला हुआ है, उसका पंप हाउस वहाँ लगाना है। यानी कि दो चीज़ें वहाँ से कहीं दूसरी जगह हटा ही नहीं सकते हैं, और ऐसी जगह में अगर ये भूखंड दे रहे तो भूखंड किस लिए? जब 2018 से उसकी मांग हो रही है, 2016 से उस भूखंड की मांग हो रही है कि म्यूनसिपल कमिश्नर, और मैं उस समय मेयर था, और एमआईडीसी का सीईओ, इससे बड़ा तो कोई नहीं होता है। प्रशासन के अधिकारी सीईओ से बड़ा कौन हो सकता है? अगर सीईओ ने कहा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में वहाँ आया है, और उसके बावजूद उस भूखंड को 12 नवंबर 2020 में अगर आप दे रहे हो, तो किस प्रकार का लॉकडाउन है? पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने की माने तो एमआईडीसी की घटिया नियत की पोल खोलता 591 और 592 नंबर का भूखंड दरअसल किसानों के नाम पर आवंटित हुआ है, लेकिन यहां अब कंपनी बन रही है। पूर्व महापौर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 40,000 घरों में जो शौचालय बने हैं, उनके लिए यहां पंप हाउस बने, लेकिन एमआईडीसी के अधिकारी यहां हजारों परिवारों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। यह घोटाला और धांधली नहीं तो भला क्या है? आर 591 और 592 ये दोनों भूखंड जैसे कि सेतकरी के नाम पे, पीएपी के नाम पे निकाले गए, लेकिन उसका इस्तेमाल, मैं ये चाहता हूँ कि 40,000 लोग जो स्वच्छ भारत अभियान सरकार चला रही है, उसके तहत इनके घर में शौचालय बनाया गया है, उनका मलमूत्र लेके जाने के लिए जो सिस्टम बिछाया गया है, सिस्टम पूरा हाइड्रोलिक लेवल हो या कंट्रोल लेवल से जहाँ आके खड़ा है, और वहाँ आप भूखंड जब बेचते हो, तो इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा धांधली क्या हो सकता है? इस घोटाले को लेकर एमआईडीसी के अधिकारी खामोश हैं। लगातार संपर्क करने के बाद भी कैमरे पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने सवाल उठाते हैं कि आखिर इस धांधली और घोटाले का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है जिसके इशारे पर अधिकारियों ने ऐसे घोटाले को अंजाम दिया? पूर्व मेयर ने कहा कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना ही चाहिए कि जब जनता का काम नहीं कर सकते तो वे वेतन भला क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उस पर चाहे जो भी फैसला हो, लेकिन इसके खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन होगा जो नई मुंबई के स्वच्छ भारत अभियान का पर्दाफाश करेगा।
इन सारे जिम्मेवार जो आंसरेबल है उनको सवाल पूछना चाहिए कि ये आप किसके दबाव में ये कर रहे हो और कौन आपको आपके ऊपर दबाव ला रहा है। जो जनता के हित में भी काम करने पे आप कतरा रहे हो तो आपको सरकार का मुफ्त का पगार लेने का अधिकार क्या है। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री जी ने वो चिट्ठी नीचे जो सेक्रेटरी है इंडस्ट्री उनके पास भेजी है, ऐसा मेल में मुझे जवाब आया है, लेकिन यहाँ अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर फैसला हो या ना हो, आंदोलन बहुत बड़ा होगा। जो नई मुंबई पूरे देश में तीसरे नंबर पर है और राज्य में लगातार पहले नंबर स्वच्छता में है, वो उसके लिए कितना अच्छा साबित होगा, इस प्रकार का आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।